दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रमोद टंडन के निवास पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का गर्म देखना चाहेंगे या फिर सरकार में देखना चाहेंगे। मैं तो सिंधिया जी को सिंधिया जी के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं तो उनके हर रूप में उनके साथ हूँ। वो जो जहाँ रहेंगे मैं उनके साथ हूँ। मैं तो चाहता हूँ जोशी से स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए ज्योतिरादित्य मैं दिल्ली के विषय में मैं नहीं चाहता, चाहे जो भी प्रश्न हो, मैं इतना ही कहूंगा कि जो हम लोगों की विचारधारा थी, जो हमारी सोच थी, उसके आधार पर सरकार चले, यही मेरी मनोकामना है। 15 साल बाद सरकार बनी है, समय एक साल तो निकला है पर वास्तविक तौर पर एक साल मिला नहीं है, क्योंकि बीच में लोकसभा चुनाव आ गया था, फिर बीच में उपचुनाव आ गया झाबुआ का। तो जो हमारे मैनिफेस्टो में हमारे मुद्दे थे, जो हमने संकल्प किए, उस पर हमारी सरकार पूर्ण रूप से होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार को अभी एक साल भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, बीच में लोकसभा चुनाव और झाबुआ उपचुनाव भी आ गए थे। मुझे उम्मीद है कि प्रदेश सरकार कांग्रेस की सोच और विचारधारा पर चलकर अपने वचन पूरे करेगी। सिंधिया ने कहा कि मैं जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता के मुद्दे उठाता रहूंगा। देखिए नेता और कार्यकर्ता का संबंध दुख और सुख दोनों का होता है। आज यदि कोई कार्यकर्ता दुख में है तो नेता उसका संबल बढ़ाने, साहस बढ़ाने, हिम्मत देने आता है। और आज आवश्यकता है सरकार में रहकर कुछ छोटे कार्यकर्ता की ताकत को बढ़ाना, जो कहीं ना कहीं अभी सरकार में अपनी भागीदारी नहीं कर पा रहा। आज भी मेरी सिंधिया जी से चर्चा हुई, मैंने यही आग्रह किया है कि जितनी भी योजना समिति है, जिला समिति है, खाद्य समिति है, निगरानी समिति है, इन सब में छोटे कार्यकर्ताओं को लिया जाए और मंडी, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सहकारिता के बाद बड़े कद के नेताओं को समायोजित किया जाए। और ये भी आग्रह किया कि आपके दौरे पूरे मध्य प्रदेश में चलते रहना चाहिए। आप युवा हैं, आप में क्षमता है और सरकार बनाने में आपकी भागीदारी सबसे बड़ी रही है, तो आपके दौरे कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देते हैं, ये मैंने उनसे आगे किया। सर, क्या सिंधिया जी के विषय को लेकर आपने भी इनकी चर्चा की है कि वो प्रदेश में सक्रिय रहे या अभी तो सांसद के तौर पर, क्या इस विषय में कोई चर्चा आपकी हुई है? देखिए उनका क्या निर्णय होगा ये सिंधिया जी और राहुल जी करेंगे। हम तो एक आम आदमी की भावना बता सकते हैं कि सिंधिया जी आम जनता से जुड़े हुए नेता है और वो किसी पद पर रहे या नहीं रहे, उनका घूमना, उनके दौरे निश्चित रूप से कांग्रेस को ताकत देते हैं और कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाते हैं।